करूंगा। वाजिबुल कदर इज्जत मुआब ज़ाकरी अल बैत ज़ाकरी दुनिया में दौरे हाजर में बहुत बड़ा नाम जनाब कारी अल कसैद कामरान अब्बास साहब भैया, और इनके बाद मलक साहब 15 मिनट पढ़ेंगे। मैं ज़ाकर साहब से दाखिल तो आएँ, आप दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, क्या बात है जी, ठीक है जितना आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन्ने वलिय कल हुज्जत इब्न हसन अलैहि सलातु वसलाम सलावातों का अलैहि वाला अबाई फी हादे सात मफी कुल सात वलियम व हाफिजम व कायद मनासर व दलीलम व इन हत्ता तुस्किना हु अरज़का तो अन व तुमते अहु फीहा तवीला। या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बे सलेला मोहम्मद व आले मोहम्मद या कायम आले मोहम्मद अदरिकनी या कायम आले मोहम्मद अरिकनी फी सबीलिल्लाह या कायम आले मोहम्मद अल्लाह जल अल्लाह जल या कायम आले मोहम्मद अल्लाह जल अल्लाह जल वह के सैयदातुल निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर माशाल्लाह काफ़ी रात तशीफ फरमाओ जे बंदे नीयत नाले खलूस नाले सकीदे नाल बादशाह दे जिक्र तशीफ लैके आए हो और यकीन मुहकम रख दो कि कायनात दी हर नेमत मोहम्मद वाले मोहम्मद दी नालायन दे सदके अता होंदी है। फिर जुबान की नेमत का शुक्रिया अदा करने वास्ते खालिक दा नाम इन चाहो कि वजहुल्ला तुहाडे मेरे ते राजी होण। नारे तकबीर शुक्रिया जी। नारे रिसालत अपनी जुबान की पाकिजगी के इजाफे वास्ते अपनी इज्जत वास्ते उच्चा बोलो नारे रिसालत नारे हैदरी। ऐलान गदीर नूं याद रखते हुए सरकार दे फरमान नूं याद रखते हुए सुन्नत नबवी ते अमल करके हाथ बुलंद करके हलाली बोलो हैदरी या अली अमीर मोमिन बादशाह। हालांकि कायनात तमाम मोमिनीन दा बादशाह दे जिक्र जितने कदम मोमिनीन तुर के आयो जीने तवज्जुहुल्ला तुहाडे अकीदे दे मुताबिक तुहानूं बेहतरीन नजर अता फरमाए। अजीजान दा पुरखलूस सफ़े मातम यकीनन कबूल है मालिक ने इज़्ज़त तौफीकात इज़ाफा अता फरमा। बस दे रहनो वेड़े आबाद रहनो घर जिथा जिक्र इमाम हुसैन बादशाह हुंदा है। शिफाए करबला दी नालायन दा सदका जो बीमार ने मालिक शिफाए कामला अता फरमाए। जेडे मकरूज मौला रज़ा बादशाह दी नालायन दा सदका इतना दे अपने कर्ज़ अदा कर सकन। तख़सीसी दुआ मंगो जालम दौर च मालिक किसी मोमन दी बल्कि हर उस शख्स दी जिहड़ा रहमतुल आलमीन दे फरमान दे मुताबिक अली ने मानदा है मालिक उसकी इज्जत अपनी मुहाफ़ज़त च रखे। मालिक साढ़े मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। कोशिश करो आमीन आखो सारे जी। मैं नौकर भाई मालिक भाईजन की वालदा बीमार है पाक बीबी की परेशानियों का सदका मालिक उन्होंने सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इन्हां दी खुशियां देखो मालिक इन्हां दा साया उन्होंने सलामत रखे। इतने ढेर बंदे ना अगर सारे आमीन आखो पता नहीं तुहाडे चो किस बंदे दी आमीन जिहड़ी कबूलियत दी साडी निजात बन जाए। कोशिश करना उची आमीन आखना। मालिक साढ़े मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। पाक आर्मी नूं कामयाबी ता फरमाए। मालिक इस इलाके के जितने शिया सुनी हजरात ने उन्होंने इतफाक और प्यार कायम रखे। मालिक सानू सारियां नूं इस साल बादशाह दे हरम दा सजदा नसीब फरमाए। मालिक असी वारिस रखते हैं भी वारसा तरह जी रहे हैं। मेरे मौला सुन पर्दे वाले वारिस की जियारत नसीब फरमा। अपने मालिक अपने वारिस अपने बादशाह के जहूर वास्ते तुहाडे वजूद च जितनी ताकत है सलवात मोहब्बत भरी सारे हालात अल्लाहुम्मा इंतहाई शुक्रिया। इजाजत सानू की शुरू की जाए। वैसे थोड़ा जहाँ अगे नहीं आते अपने बंदे चलो थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ जिन्होंने मैं जाओ सर मेहरबानी भाजन आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। बहुत प्यारी जगह अगर बिस्मिल्लाह बुजुर्ग बैठे ने खैर जो नौजवान जिन्होंने उठन की साइया हिम्मत दी है तुम्हें भी दी उसी यकीन बाबा जी बैठे तुम अगे आओ उठ के आओ उठ सकते हो माशाल्लाह चंगी सेहत थोड़ी मेरे नाल अगे आ जाओ। बड़ा अजीब लगता जे बुजुर्गों ने सबक सुना जे महात्मियों वास्ते पढ़ना जे अजीब तुम परेशान हो गए। कामरान ने पहला जुमला आख्या जी मैंने बड़ा अजीब लगता है। अजीब यह लगता है कि रसूल अल्लाह फरमाया कि अली के जिक्र च बोलना इबादत है तो बंदे इंज वेखते हैं। मैं कहना शुक्र असी उस दौर च नहीं है। मतलब सब बंदे अज भी नारा मारी ना तो जवाब देंगे ने कि गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है। अच्छा बाबा जी तो मेरा एक बिरार आ गया बाकी कोई नहीं और मैंने ढिले जे गुलाम नहीं चाहिए वह भावें घर जाओ जे तगड़े ने बोलो गुलाम है गुलाम है यार एडा ठंडा बोल तेरी सेहत मेरे लगी थोड़ी सेहत ज्यादा जान ला के बोलिया करो गुलाम है गुलाम है। तुम पिछले नहीं है दो जने नहीं बोले जरा नहीं गुलाम बाहर चला जाए मेहरबानी करे मैंने जरा रसूल का ना नहीं चाह सकता वो बंदा चंगा नहीं लगता उची बोलो अगर रसूल का कलमा पढ़ दो गुलाम है गुलाम है गुलामी है रसूल में ये जरे दाद नहीं देंगे उन्हें मौत कितों देनी है जरा नबी दे ना तो बोल नहीं सकता हजूर उन्हें मरना कितों है सिर हिलाने वाले बंदे चुप बंदे सारे नाल ला के नात तुहानू मैं सुनावा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। भाईजन देखो
ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੋ, ਅੱਲਾ ਆਪ ਪੜਦਾ ਦਰੂਦ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੜੋ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੇਈਮਾਨ ਨਬੀ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਪੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਪੜੋ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਮਜਲਿਸ ਹੁਸੈਨ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ ਜਨਾਬ ਕਿਬਲਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਦਾ ਖਾਨ ਕਿਬਲਾ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਨਜ਼ਰੇ ਬਦ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਜਲਿਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖੇ, ਮੁਕੱਸਰ ਆਖੇ, ਇਹ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਬੀ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੁਛਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਮਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਸਿਰ ਚਾਣਾ, ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਲੇ ਸੁਨਤ ਬਿਰਾਵਾਂ ਕੋ ਦਾਦ ਲਵਾਂਗਾ, ਸ਼ੀਆ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਬ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਚਾਰਾ, ਹਲੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਬੀ ਭਜਨ ਜਵਾਬ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬੰਦੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮਨਸ ਤਵਜੋ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਤ ਹੈ। ਨਾਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਅਵਲ ਮਾ ਖਲਕ ਅੱਲਾ ਹਨੂਰੀ। ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯਾਰ ਅਵਲ ਮਾ ਖਲਕ ਅੱਲਾ ਹਨੂਰੀ। ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਭਾਵੇਂ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨੇ ਆਨਾ ਵਾ ਅਲੀਨ ਮਿਨ ਨੂਰਿਨ ਵਾਹਿਦ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਜੂਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਦੁਆ ਫਰਮਾਣਾ ਨਾਤ, ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਈ, ਮੈਂ ਭਾਜਨ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਸੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਟੁਰਦਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਹੱਜ ਰੁਕਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬ ਸੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਥਾ ਹਮ ਥੇ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਮਜਲਿਸ 'ਚ। ਚਲੋ ਚਿਹਰੇ ਤਰੌਣਕ ਤੇ ਆਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਆਪਕੋ। ਜਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਥਾ ਹਮ ਥੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲਵਾਂ, ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਥਾ ਆਪ ਥੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਬ ਥਾ ਵੀ ਨਾ ਥਾ। ਅਲੀ ਤਲਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹਮ ਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਖੈਰਾਤ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਚਾਣਾ। ਜਬ ਥਾ ਵੀ ਨਾ ਥਾ ਆਪ ਥੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਥਾ ਆਪ ਥੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਪ ਰਹਿਤੇ ਕਹਾਂ ਥੇ? ਰਸੂਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਵੋ ਹਮ ਮੇ ਰਹਿਤਾ ਥਾ, ਹਮ ਉਸ ਮੇ ਰਹਿਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਮ ਉਸਮੇ ਰਹਿਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਦਾਦ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਦਾਦ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਜਨ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਚੰਗਾ ਜੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਤ ਵੀ ਖਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਤ ਵੀ ਭਾਜਨ ਖਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਵਜੂਦ ਨੇ, ਬੇਦਿਲ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
सुभान अल्लाह, तुहाडी क्या बात है, मालिक जवारी नसीब करी। बाबा जान मेहरबानी, शुक्रिया, मौला सलामत रखे सन। अपने सामने किया है, आशिक ने अपने महबूब को देख के पहली बारी गल की है, ये नात है। नात कौन पढ़े है? अल्लाह। कौन पढ़े जरा वजूद नहीं रखता? क्या बात है, नात पहली पढ़िया, मोहम्मद मेरे नूर से हो जाहिर। जिरे हाथ बुलाऊं ने मालिक करबला दीवारी नसीब कर जियो, मेहरबानी सही। मोहम्मद मेरे नूर से हो जाहिर। बाबा जी बादशाह मिंबर से खड़ा एक मंजूर नज़र मौला दे मदा खान तशरीफ फरमाने, बड़े भाई इधर मलिक साहब वो भी साईं है, मदा खान ने तुसी बुजुर्ग बैठे हो, मातमी सदात शिया सुन्नी बैठे ने, अगली लाइन से वह बंदा मैं दाद दे जरा नबी का कलमा पढ़ के मुतमिन बैठा है, दूजा बंदा जरा चुपे अल्लाह उनकी चुप मुबारक उन्होंने होवे। मोहम्मद मेरे नूर से हो जाहिर। दूसरे हाथ ना लेंजन कर सकते हो, मोहम्मद मेरे नूर से हो जाहिर। के सदियां हुई है छुपाते छुपाते, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं समझ था कि भाई साहब इंतहा शुक्रिया। अगली गल थोड़े वास्ते बाबा जान, अल्लाह कह रहे हैं बताऊं के तेरी क्या बात, वजह से खुदा हूँ जियो। बताऊं के तेरी वजह से खुदा हूँ, ये सारी जमीने बिछा दे बिछा। इमाम जमान तुम सलामत रखन, तुहाडी क्या बात भाजी, तुहाडी वजह तो नौकर तुहाडा पड़े। खादिम हुसैन साहब जुमला भाजी मेहरबानी, सरकार मेहरबानी, इमाम जमान तुम सलामत रखन। अल्लाह के कितने नाम ने जेरी चुप, तुम्हें बेशक नहीं आते हो सन, मैं आते ने और रमजान च पाक महीने चल शायरी आसो ना भाई, तो टीवी ऑन करी तो अल्लाह याद है कि नहीं सुने जी, वैसे सुने अजय मैं रोज़ सुनता सी, इस वास्तव मैंने याद हो गए सारे, मैंने चंगे बड़े लगने। उस चला का ना लिया गया, मैं शेर पाड़े भजन तुम थोड़े नाल जे चुप बैठे ना उन्होंने ना लैके काफला ला के तुम दस देनी मैंने शेर नाज से पढ़ना चाह रहा, जे सरकार दुआलम का कलमा पढ़ते हैं और सरकार की मानते हैं वो दस देन, बुजुर्गों को दुआ लवा, महात्मियों को सदा शिया सुनी तवजो करनी, आवाज़ तौहीद आईए। इंज अपने नूर के पास वेखे है, तौहीद ने अपनी पहचान के पास वेखे है, हाय सदके क्या बात है थोड़ी मेहरबानी जी। यही वेखिया मतलब सब जुमला सुना जी, अल्लाह ने केड़ी गल की है, मेरे महबूब तू मेरी अदालत में कुन का वली है, मेरा नाम तेरी वजह से अली है। अल्लाह अजीम क्या बात है, वजह से अली है, वजह से अली है, वजह से मालिक सलामत रखे अली है। नाथ सुन के नियाज देनी चाहिए, वजह से ना दाद दे दो नहीं तो नियाज दे दे, वजह से अली है। बाबा जान अल्लाह कह रहे हैं मैं मशहूर हो जाऊंगा इस जहां में, मैं मशहूर हो जाऊंगा इस जहां में, तुम्हारा ही कलमा पढ़ाते पढ़ाते। मोहम्मद मेरे नूर से हो जाजा। वाली सलामत रखे जी, एक उच्ची सलवात पढ़ दो साईं जात जी, जी साईं। अच्छा जी मैं जरूर लाजमी जी नात तो पूरी पढ़ देंगे जात, इंतहाई वाजिबुल एहतराम इंतहाई वाजिबुल कदर मेरे नाना दी जात है, मेरे बुजुर्गों की प्यू की जात है,
उस्तादुल उलमा किबला मोहतरम जनाबे किबला हाफिज़ तसद्दुक साहब नदी से तो सलामती वास्ते बाबा से बुलंद सलवार पढ़ो सारे उठो भी हूँ टाइम ढिला रह गया आओ बिस्मिल्लाह आओ बाबा सिंह बिस्मिल्लाह लो सरकार आ गए और भी ज्यादा इस तरह लेकिन पूरा पहले ना तो नात सुनाइए जी अल्लाह ने पढ़ी है हम मेरे दिल ने नात उस हस्ती की जुबान तो सुनावा जिस हस्ती दे खर्चे तो इस्लाम पले है जिन्हें तवज्जो मेरे पास है वो बोलना जरूर हर इब्तदा को आखिर अंजाम दे दिया एक मुस्तनद खुदाई का पैगाम दे दिया जब तय हुआ रिश्ता खदीजा का रसूल से खालिक ने मुंह दिखाई में इस्लाम दे दिया। बाबा जी पहली नात पढ़ी अल्लाह मेरे को वक्त हो तो मैं तुम्हें तो सरकार अबू तालिब की जुबान तो नात सुनावा लेकिन जिन्होंने तमगा सरकार अबू तालिब मिले वो बैठे हो तो मैं उन्होंने सामने क्या सुनावा वो सोहनी सुना सन तो मैं तुम्हें तो उस बीबी की सुनावा कामरान अब्बास की औकात कोई नहीं है बड़े भाई दुआ करते हैं नाना प्यो दुआ करते हैं सादात मातमी इन्हों की दुआओं के सदके मैनू ये इज्जत मिली है कामरान नहीं होने की वजह तो नहीं जाकरे मुहम्मद वाले मुहम्मद होने की वजह तो कि मेरा सैयद इंतजार कर रहे हैं मेरी ये इज्जत है तो वह बीबी अपनी जुबान तो फरमा रही उस्ताद दुआ फरमाना जी वह बीबी अपनी जुबान तो खुद फरमा रही कि जिस वे मैं रसूल अल्लाह की कनीजी चाहिया तो मैनू इख्तियार क्या मिले ना जनाबे खदीजा की जुबान तो भजन मौजूद नवाज मेहरबानी कोशिश करने इजाजत सारे सुना दें ईमान वाले उच्ची सलवात पढ़ो सारे जिसकी नाले निका अर्श पे नूर है पेशवा मिल गया है मुझे नबी 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 मुस्तफा मिल गया मुझे मुस्तफा मिल गया है मुझे माल क्यों ना खदीजा लुटाया करे बादशाह मिल गया है मुझे नबी 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 मुस्तफा मिल गया है मुझे माली सलाम जी जिंदाबाद रहो इंतहाई शुक्रिया स्पीकर वालों मैंने दाद आ रही थी परेशान ना हो उस्ताद जी शेर पढ़ रहे हैं तुम देखना जे बंदे दाद नहीं दी या तो इन्हों का रोज़ा चुप तक खुलवाव तो या मैं भी इन्होंने शामिल हो जावा ये प्यो दुआ फरमा रहे मेरे वास्ते काफ़ी है जनाबे खदीजा अपनी जुबान तो फरमा रहे नाद पढ़ने कि मैं इस घर कनीज बनी हाँ तो मैनू क्या मिले भी फरमा रहे भाजन दुआ फरमाना जी बाबा जान जनाबे खदीजा पाक फरमा रहे फिर मुकद्दर मेरा लाला हो गया मेरा यासीन से जब निकाह हो गया फिर मुकद्दर मेरा लाला हो गया मेरा यासीन से जब निकाह हो गया जिसकी तस्बीह नमाज़ों की पहचान है फातिमा मेरे आंगन में कुरान है तस्बीह नमाज़ों की पहचान है फातिमा मेरे आंगन में कुरान है मैं हिजाब-ए-इला ही की माँ हो गई ये सिला मिल गया नबी 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 मुस्तफा मिल गया है मुझे इमाम हुसैन तुम सलामत रखन जी एक शेर होर थोड़ी थकावट देख के मैं लग रहा तुम कल तो मजलिस से बैठे हो एक शेर मैं अपने बुजुर्गों को दुआ लेने वास्ते मैं अल्लाह की कसम नहीं कर रहा जी हेलो थोड़ा परे कर रहा तू ही छड़ दे यार छड़ दे इन इतने रख दें ताकि डिग डिग हो भी ना ये तो दाद होंगी ये चुप कर जो अगला शेर थोड़े वास्ते अगर खैरात अगली मिली तो एक और शेर नहीं तो इसे तो एक मौला दी शहनशाह का कसीदा तो या ली आ ली दो मेरे तो बेहतर मेरे तो बुजुर्ग मेरे तो सीनियर हस्तियाँ उस्ताद उलमा भाजन तशी फरमाने नौकरी हो गई मालिक मालिक साहब की इज्जत तौफीकात इजाफा करें ये शेर इन्हों की इज्जत तौफीकात वास्ते औलाद की खुशियां वास्ते इन आम आदमी की कामयाबी वास्ते शिया सुनी हजरात के इत्तफाक वास्ते शेर पढ़ने जा रहे हैं जनाब खदीजा फरमा रहे हैं
तवज्जो बाबू जी शेरे वड्डा पाड़ा तुहाडा पुत्र ये दाद न देन ये जानन मैं तुहाडा पुत्र हां मैनूं दुआ कर देना जनाब खदीजा पाक फरमा रहे मतलब सब क्या फरमा रहे पूछ कर शम्स जिस को निकलता है अब वो अली मेरे हाथों में पलता है अब पूछ के शम्स जिस को निकलता है अब वो अली मेरे हाथों में पलता है अब पूछ शुक्रिया को निकलता है अब वो अली मेरे हाथों में पलता है अब मर्तबा मेरा खैर उन्निसा हो गया मेरा दामाद शेर खुदा हो गया क्या बात है जियो हैदरी सुभान अल्लाह थोड़ी क्या बात है जी इमाम हुसैन तुम सलामत जिंदाबाद रहो शेर मुकम्मल तो बिस्मिल्लाह जी जियो बाबा हैदरी वाली तुम सलामत रखे शेर मुकम्मल थोड़े वास्ते कर रहे हैं पूछ कर शम्स जिस को निकलता है अब वो अली मेरे हाथों में पलता है अब मर्तबा मेरा खैर उन्निसा हो गया खुदा से मैं क्या मुर्तजा मिल गया है मुझे नबी 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 मुस्तफा मिल गया है मुझे हमारी थोड़ा साहे सलामत रखना बिस्मिल्लाह जी इंतहाई शुक्रिया सर मेहरबानी मेहरबानी सही बाबा जी ने मैंने सॉरी खराब दी मेरे बुजुर्ग दाद देने मैंने इस तो वड्डी होर क्या दुआ चाहिए ए शेर इन्हां दी सलामती वास्ते और एक शेर मौला अली शहंशाह दा उस ते आई ली हाँ ठीक है जी ये शेर सुनना जी लोरी पढ़ा तो सारे पहले ही सुते ने होर ना सो जान अच्छा ठीक है जी अच्छा जी ठीक है जी मैं तो नहीं रोया शेर चाहना शेर थोड़े वास्ते पढ़ने जा रहे उस्ताद जी बड़ा प्यारा शेर जी पहले दो शेर मैं सारे पढ़ने ये शेर मैं दो हस्तियों पढ़ने लगा इन्हों को मोहर लवाना इन्हों को दुआ लेना बीबी खदीजा पाक फरमान बाबा जी दुआ करना मालिक तुहाडा साया सलामत रखे पाक भी विलायत अली दे सदका तुहानू सलामत रखे और मालिक तुहानू हर किस्म दे शर्त महफूज रखे शेर तुहाडे वास्ते पढ़े जनाबे खदीजा पाक फरमाने कि मैं रसूल अल्लाह दी कनीजी चाहिए तो मैनू इख्तियार क्या मिलिया नात पढ़े ने जनाबे खदीजा पाक सलातुल अला गल करिया कि बीबी ने मैं शबे कद्र में आमिना की दुआ मेरी चौखट से मरियम को ईसा मिला मैं शबे कद्र में मैं तुम दुआ देगा जी बहुत शुक्रिया क्या बात है तुम भाई मेहरबानी मालिक तुम सलामत रखे इंतहाई शुक्रिया मैं शबे कद्र में आमिना की दुआ मेरी चौखट से मरियम को ईसा मिला मैंने जिस को मोहम्मद का सदका दिया देखते देखते वो गनी हो गया क्या बात है जिन रसूल का सदका मिल जाए उस तो उम्मीद अलग कौन सी इमाम हुसैन बादशाह तुम सलामत जिंदाबाद रहो रहमतुल्लाह आलमीन सरकार दो आलम दा फरमान है कि जीनत बख्शो रौन बख्शो अपनी महफिलों में मेरे भिरा अली इब्ने अबी तालिब दा जिक्र दे नाल मेरा दिल सी मैं तुहानूं नवीं सुना दिंदा अच्छा जी वो पुराना नहीं हो गया नवा नहीं सुनते अच्छा जी चलो बिस्मिल्लाह जी एक सलवात उच्ची आवाज़ में सारे हज़रात पढ़ दो अच्छा मेहरबानी जेडे बंदे चाहते तुहानू इस साल मालिक करबला बुलावे उच्ची सलवात अच्छा ठीक है जी पढ़ चलो जी मैं सब जरा हुक्म किया वही पढ़ देना जी मैं एक शबान तीन शबान के हवाले कसीदा पढ़ता जहूर है इमाम हुसैन बादशाह का तो वो मलिक साहब हुक्म फरमाने वह एक शेर बाबा जी ज़्यादा जल्दी नहीं बिल बल्कि जल्दी जल्दी सॉरी पर इसे शेर से आ ली वो हुक्म उन्होंने तमील पूरी कर दें हर बंद का म्यार क्या है मैं नहीं जानता
लेकिन रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह आलमीन फरमाया है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। जिस बंदा यह अकीदा है वो वास्ते जहूर इमाम हुसैन का एक शेर पढ़े, आग पानी हवा ये मट्टी से जिस्म आदम को जो अता कर दे, ऐसा कादे हुसैन उतरा है जो हैवानों को पेशवा कर दे। मालिक माद मेरे सलाम रखे, इंतहाई शुक्रिया। दो शेर थोड़े वास्ते जल्दी जल्दी नाल, कौन है मेरा बादशाह हुसैन, क्या आजमत है, क्या शान है, बादशाह फरमान रसूल फरमान। ये कहे तो हवाएं चलती हैं, ये खुदाए नसीम है लोगो, ये कहे तो हवाएं चलती हैं, ये खुदाए नसीम है लोगो, देखो हुर जैसे को भी माफ किया, ये गफूर रहीम है लोगो, ये गफूर रहीम है लोगो, दिन आए अंधेरी रातों में पाँव की खाक से जया कर दे, सर कटा कर लहू की बूंदों को ये जुबानों पे लाए ला कर दे। मालिक तआला सलाम रखे, जिंदाबाद जियो। मालिक तआला सलाम रखे। मालिक दीन साहब, चूंकि मालिक साहब ने हुक्म किया जी, एक शेर मैं सारे वास्ते पढ़िया, जिस शेर वास्ते इन्हें हुक्म किया है, ओ इमाम हुसैन बादशाह के हवारे च, एक पास रहमत आलमीन, एक पास हिजाब अल्लाह, एक पास वजहुल्ला, एक पास हसन मुजतबा। ये मंजर देखना, जेरे भैया आदमी मैं दाद दे रहे हैं तुम्हारी वास्ते, किसी शेर पढ़े इमें सारे नूर नूरे तौहीद कट्ठे ना गहवारे थे, तेरे रसूलुल्लाह ने इन्हें सारे पास मुखातब करके गल की है, इसकी आँखें सजा के चेहरे पे हम इलाही के राज पढ़ते हैं, इसकी आँखें सजा के चेहरे पे हम इलाही के राज पढ़ते हैं, इसकी आँखें सजा के चेहरे पे हम इलाही के राज पढ़ते हैं, हमें दुनिया न फिर खुदा समझे और इसकी नमाज पढ़ते हैं, इसकी नमाज पढ़ते हैं, इसको काबे पे इख्तियार है अब हर इबादत से मुनकता कर दे, ये जो चाहे तो अपने झूले को आज से सबकी सजदगा कर दे। राहुल सैन सलाम जियो। आया अकबर दी जागीर दे विच, मेरे तो पहले फकीर बादशाह खूबसूरत बादशाह मुसाइब पढ़ गए, मेरे बाद पढ़ने वाली हस्तियाँ ऐसी ने इन्होंने जुतियाँ सुधियाँ करके बंदा इज्जतदार हो जाता। साइयां दे मंजूर नज़र मदा खान बादशाह हर मदा खान जिस दी निस्बत हुसैन दे नाल है उसकी इज्जत करनी चाहिए, नहीं की इज्जत मुसलमान अली दियाँ दिखिया दी जिन्हें हाई की मैं सिर थोड़े तबरक नहीं गई, मेहनत इन्हों की एक साल की मेहनत दी फूड़ी बिछाई जी। मैं बाबा जी भजन में कहना छड़ दिता बंद कि रोना नहीं आ रहा तो झिका सिर करो हाय कह लो कोई ना रोवे, कम से कम मैं खुद सोच के तो रो सा। बंदे बड़ा सौखा पढ़ते ने कि अली दी धी बाजार आई, मैं जी भी मैं सौखा आख्या है, कई बंदे सौखा सुने है जिन्हें नहीं रो सके। एक बार अपने ईमान ना दसो, बहन नू घरों बगैर चादर तो बाहर नहीं जान देंदे, तो जिहड़ी कदी प्यू दे सामने भी नहीं आई वह शराबियां च टुरदी किवें रही है। उन्हें भी रिहाई पड़ी आई, मैं एक बंद रिहाई दा तुहानू सुणाना, लेकिन एक तुहाडे कोल दुआ लैण वास्ते, अगर गल समझ आ गई शायद इस तों अगे पढ़न की लोड़ ही ना पवे। रजबहन जी मैं आखिर जिहड़ा जितना वड्डा गैरतमंद होवे उतना वड्डा परदेदार हुंदा है। बाबा जान तुहाडे आंसुओं की कसम जी, पता नहीं कितने बंदे किस मिजाज नाल समझ सकन, तो जो मेरे पास रखना तबरका नहीं बंद पढ़ना जी, यही जुमला अगर समझा लिया जी, जिहड़ा जितना वड्डा परदेदार होए उतना वड्डा गैरतमंद हुंदा है।
जिन्हें ने हजे भी मेरे पास तवज्जो नहीं की। एक बार फिर सुनना मैं कहना, जिन्हें जितना व्डा परदेदार हो उतना व्डा गैरतमंद हों। अपने ईमान ना दसो, जिन्हें हाय नहीं की, जिस घर के पुत्र परदेच पलते होवन, सोचो धियाँ कितनिया परदेदार हो सन। पढ़ी क्या बात जो सुन, इस वास्ते जुमला थोड़े को पढ़ने। आया अकबर दी जागीर दे विच, आया अकबर दी जागीर दे विच, उथी के सजाद रिहाए रोकिया दे, उठी देख मैं जूंदी गिन आया तेरे पालन वाले। तेरी माँ उजड़ी को खा गई है वो बाजार दिन जस फिजाए, रो क्या दिन उठ आप ला हूं महमल तो थी गे कमजोर। ओ मैं फुफिया बिना मोहनी निकराम, ये एक ऐलान नोट करें।